नमस्ते, मुझे पानी पीना है, जल ग्रहण करना है, क्या जल मिलेगा? ये क्या, यहाँ जल के भी पैसे मांगते हैं? लेकिन जल तो बादल से आई थी, आकाश से सीधा धरती पर उतरी थी, तो इसका तो कोई मोल नहीं होना चाहिए, तो अनमोल होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पैसे मांग रहे हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमें कुदरत ने दिया उसका पैसा नहीं मांगना चाहिए। जो यहाँ से हमने बनाया है, जिसको मॉडिफाई किया है, उसको अलग तरीके से बनाया, उसका पैसा मांगना चाहिए। लेकिन क्यों पैसा मांगते हैं, किस लिए पैसा मांगते हैं, मैं बताती हूँ। आज का मोटिवेशन ज्ञान यही है, क्योंकि पता है पानी तो हमें कुदरत ने दिया है, सब जानते हैं, हमें नदी से मिला है, आकाश से वर्षा होती है यानी बारिश होती है तो पानी मिलता है। लेकिन इसको नगर पालिका और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अच्छे से इसको बदलते हैं, इसको पाइपलाइन में बिछाते हैं, फिर टंकी में सिक्योर करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, क्लीन करने के बाद में वो पानी हमें पाइपलाइन के थ्रू घर तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद हम उस जल को ग्रहण करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट होता है बॉटल में, पॉलीथीन में कुछ लोग पैक करके बेचते हैं, फिर उसका आइसक्रीम बना देते हैं, मतलब वगैरह वगैरह के तरीके से पानी का अच्छे से इसको मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन क्यों करते हैं मॉडिफाई? क्योंकि जब मॉडिफाई नहीं करेंगे तो पानी हमारा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। मॉडिफाई करेंगे उसको और डेवलप करेंगे, अच्छे से आप तक पहुंचाएंगे, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो जल ही जीवन है, लेकिन उस जीवन को हम कोसों दूर नहीं जा सकते हैं लेने। उसे घर तक पहुंचाने के लिए कितने सारे वर्कर इसमें लगते, कितने सारे इसमें लोग काम करते हैं, उसके बाद ये पानी हम तक पहुंचता है। इसका हम पैसा पे करते हैं, फिर पानी को ग्रहण करते हैं या नहाते हैं। क्योंकि हम एक भी दिन अगर नहीं नहाते हैं या एक दो दिन तो चलो इंसान थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तीसरे और चौथे दिन नहीं नहाएगा तो उसके शरीर में इचिंग होने लगेगी, उसको अजीब सा इरिटेशन चालू हो जाएगा, बहुत अजीब सी उसको दुर्गंध महसूस होगी अपने अंदर खुद से। तो इसलिए नहाना और फिर कपड़े धोना है, तो ये सारे जो पानी होते हैं उसको वो लोग कवर करते हैं, कवर करके हम लोग तक पहुंचाते हैं। नहीं तो आप यहाँ से अगर एक बाल्टी पानी लेने के लिए नदी जाएंगे तो आप थक जाएंगे, जब थक जाएंगे तो काम कब करेंगे, खाना कब खाएंगे, बाकी काम कैसे करेंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए वर्कर लगते हैं। तो बस हम पानी को पैसे नहीं पे कर रहे, हम वर्कर को पैसे पे कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है। और सरिता के साथ मोटिवेशन आज का ज्ञान था कि पानी तो मूल्यवान है, अनमोल है, लेकिन उसका मूल्य हम क्यों देते हैं ये भी मैंने बता दिया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें।